डाल दीजिए और एक मांस रख दीजिए। थोड़ी देर चिल्ला चोट होगी, गुर्राना होएगा, और उसके बाद में तीन अपने आप साइड में हो जाएंगे, एक लीडर चुन लिया जाएगा एंड दैट पर्सन विल ईट फर्स्ट। हैरार्की तय हो जाती है। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वोटिंग होती है, बहुत सारा सिस्टम चलता है। एनिमल किंगडम में ये सब नहीं होता, वहां पे हैरार्की इमीडिएटली स्टेटस तय हो जाते हैं। क्लियर है? इसलिए अब आपको पता है कि दो दोस्तों के, कितनों ने किया कि दो दोस्तों के बीच में एक बिना कहावा कंपटीशन चल रहा होता है। आप एक ग्रुप में सारे दोस्तों के साथ कंपटीशन में नहीं होते हैं, सबके साथ कंपटीशन में नहीं होंगे, लेकिन एक या दो ऐसे जरूर होंगे जिनके साथ में एक कंपटीशन चल रहा होता है, जिनके साथ हालांकि हेल्दी हो सकता है ये कंपटीशन, बट स्टिल देयर इज अ कंपटीशन। ये अगेन बहुत आपकी सीक्रेट बात कह रहा हूं मैं, चैट बॉक्स में लिख के बताएं ईमानदारी से, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? किसी से आप रख रहे होंगे, कोई आपसे रख रहा होगा, है? कभी सोचा है कि क्यों एक ही ग्रुप में कुछ हैं जिनसे आपका कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कुछ हैं जिनसे है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब भी एक ग्रुप प्रॉपर ग्रुप तब बन जाता है जब ये हायरार्कीज इक्विलिब्रियम में पहुंच जाती हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब कि मैंने आपको लोअर स्टेटस में रखा और आपने मुझे हायर स्टेटस में रखा, इक्विलिब्रियम हो गया है। तो जितने भी लोगों के साथ आपका इक्विलिब्रियम एडजस्ट हो गया है उनके साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी आप उनको हायर स्टेटस पे रख देते हैं, कभी आप उन्हें लोअर स्टेटस पे रख देते हैं, कभी वो आपको हायर स्टेटस पे रख देता है, कभी वो ये समझता है कि आप लोअर स्टेटस में हैं। तो ये अभी इक्विलिब्रियम पहुंचा नहीं है, दोनों ही अभी तक इक्विलिब्रियम पे पहुंचे नहीं है, डिसाइड ये तय नहीं हो पाया कि हायर स्टेटस पे कौन है, लोअर स्टेटस पे कौन है। हो सकता है कि आप सामने वाले को अपने से लोअर स्टेटस पे मान रहे हो, लेकिन सामने वाला अपने आप को हायर स्टेटस पे मान रहा है, और आप भी ये जानते हो और वो भी ये जानता है, और यही सेटलमेंट की प्रयास चल रही है। कितने लोग समझ पाए इस बात को? ठीक है, समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? अब आपको बताऊं, जहां आप किसी को हायर स्टेटस माना देते हैं वो चीज इंस्पिरेशन बन जाती है, और जहां नहीं बना पाते वो जेलिसी बन जाती है। जेलिसी इज जस्ट दिस, और कुछ भी नहीं है। स्पेशली जो अपने प्यार करने वालों से जेलिसी होती है, इसलिए आपने देखा, नोटिस कीजिएगा, ज्यादातर केसेस में जो आपके कॉलेज के दोस्त थे या जो आपके साथी थे, जिनके साथ आप एक इक्विलिब्रियम में थे, जिसको आप किसी को लोअर स्टेटस में मानते थे, वो अगर बड़ा आदमी बन गया तो ज्यादातर लोग आपसे कॉन्टेक्ट छोड़ देंगे, बिकॉज अब हायरार्की अनसेटल्ड हो चुकी है और लोगों को अनसेटल्ड हायरार्की में रहना नहीं पसंद होता। इसलिए ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे दैट जिन दोस्तों के साथ आप एक हायरार्की लेवल पे थे या कुछ दोस्त आपको लोअर स्टेटस पे मानते थे, और आप अगर एक इतने बड़े इंसान बन गए कि आज कि अब उनके पास में कोई रीजन नहीं है आपको लोअर स्टेटस पे रखने का, बट ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस वजह से दे विल नेवर फेस यू एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल स्टे अवे फ्रॉम यू एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल कंप्लेन, तू बदल गया है, तू तो अब अमीर बन गया है, तू तो बड़ा आदमी बन गया। अरे तो खुश होना, बड़ा आदमी बन गया तेरा दोस्त, तो आके सेलिब्रेट तो कर, फिर दुखी क्यों होता है? ठीक है, इसलिए जो कहते हैं ना कि लेम्बोर्गिनी में सिर्फ दो ही सीटें होती हैं, इसीलिए होती हैं, क्योंकि आप जितने अमीर बनेंगे उतना छोटा आपका सर्कल होता जाएगा। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ, थोड़ा सा भटक गया, फ्लो में था तो सोशल साइकोलॉजी पे चला गया पूरा, लेकिन आई थिंक आपकी हैप्पीनेस में ये जो गेम हम खेलते हैं, ये जो पॉलिटिकल गेम खेलते हैं, अपने माइंड गेम जिसे कहते हैं, ये गेम खेलने के चक्कर में बड़े परेशान रहता है इंसान। टेंशन में रहता है इन चीजों की वजह से। तो चेजिंग सुपीरियरिटी अभी समझ में आई, कैसे ये आपके दिमाग को मैसअप करती है?
फिर दारू पीता रहता रात को। पीयूष क्या बात है, आज तो वेडनेसडे है, वीकेंड भी नहीं है। तो इवन आप अपने इक्विलिब्रियम को जस्टिफाई करने के लिए लड़ भी सकते हैं। जैसे सपोज आपके मन में, आपने रोनाल्डो और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी आप जानते हैं, मेसी को भी जानते हैं आप, आपने मेसी को हायर हिरार्की पे रखा है, रोनाल्डो आपकी लोअर हिरार्की में है, और आपका जो दोस्त है उसके ऊपर मेसी हायर हिरार्की में है, रोनाल्डो लोअर हिरार्की में है, आप अपनी हिरार्की को प्रूव करने के चक्कर में भिड़ जाओगे। हम सिर्फ हिरार्की के इक्विलिब्रियम में नहीं चाहते, हमें ये भी लगता है दैट माई हिरार्की इज बेटर देन योर हिरार्की। इसलिए आप देखते हैं सलमान के फैन उससे लड़ रहे होते हैं, जिसके फैन उससे लड़ रहे होते हैं, ट्विटर पे इन सब चीजों पे यही सब चलता रहता है। ये पूरी सोशल साइकोलॉजी है कि हम भले ही आज हम एक इंटेलिजेंट बीइंग हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे अंदर की जो एनिमल फंक्शंस हैं, ठीक है, जो जानवरों वाले फंक्शंस हैं, वो आज भी हमारे अंदर काम करते हैं। ठीक है, जस्ट ट्राई टू बिकम अवेयर ऑफ इट सो दैट आप ज्यादा मानव बन सकें और कम जानवर रहें। बेस्ट तरीका क्या जीने का है पता है? किसी से भी मिले ना तो ये सोचें कि ये मेरे को कहाँ रख रहा है। कई लोग इस बात की चिंता में रख रहा है कि ये मेरे को लोअर स्टेटस में रख रहा है, हायर में रख रहा है। ना आप किसी को अपने हायर लोअर में रखें, जिस भी व्यक्ति से मिले एक व्यक्ति की तरह मिले, केयर के साथ, प्यार के साथ, लहजे के साथ, तमीज के साथ, इज्जत के साथ। ठीक है, ये नहीं कि आप अगर एक ओला के कैब ड्राइवर को मिल रहे हैं तो सडनली आप एक अलग व्यक्ति हैं, और आप जाकर के चीफ मिनिस्टर को मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल अलग व्यक्ति हो गए। ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि दोनों को आप सेम तरीके से ट्रीट करेंगे, लेकिन कुछ जो बेसिक रिस्पेक्ट है, वो बेसिक रिस्पेक्ट आपकी इंसान को देख के, उसके स्टेटस को देख करके, ऊपर नीचे करके आपको नहीं रखनी चाहिए। और ऐसा व्यक्ति हमेशा बिल्कुल तरल रहता है, लिक्विड रहता है, यानी कि इसको ना तो इस चीज का डर है किसी सोशल गैदरिंग में, ना इसको इस बात का डर है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी नहीं कर रहा किसी को। और जो खुद अपने स्टेटस के गेम में नहीं है ना, वो सामने वालों से घबराता ही नहीं है। तो ये इंसान मोदी के सामने भी उतना ही सहज बैठा है जितना अपने परिवार के किसी व्यक्ति के साथ में बैठा है, या फिर किसी एक चपरासी के साथ में बैठा है, या फिर एक कोई झाड़ू लगा रहा है स्वीपर है उसके साथ में बैठा है। ये उतना ही सहज वहां पे भी है, उतना ही प्रधानमंत्री के साथ भी सहज है, क्योंकि इसको स्टेटस गेम की लड़ाई में है ही नहीं है। और रियल मॉन्क होना यही है दोस्तों, कि जितना ज्यादा आप अपने एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से बाहर आते हैं और जितना ज्यादा आपका मानवीकरण है, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, सेकेंड रीजन लिखें, चेजिंग सुपीरियरिटी से क्या प्रॉब्लम आती है? व्हेन यू कंटिन्यूअसली चेज सुपीरियरिटी, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज यू गेट इनटू द स्टेटस गेम, ऑलवेज स्टेटस गेम, हर जगह ट्रिगर हो जाओगे। सोशल मीडिया पे किसी के ज्यादा फॉलोअर बढ़ गए, आपसे परेशान हो जाओगे। मतलब कंपटीशन है नो डाउट, एक शॉर्ट मोटिवेशन आएगा, लेकिन प्रॉब्लम बहुत हो जाएंगी, रिस्क टू बेनिफिट रेशियो खराब है। सेकेंड चीज, सुपीरियरिटी को जो चेज करते हैं ना, ये एक टाइम पे बहुत बड़े मटेरियलिस्ट हो जाते हैं। सो द सेकेंड इज मटेरियलिज्म। तो चेजिंग सुपीरियरिटी में हमने क्या देखा कि सबसे पहला क्या हो जाएगा, आप स्टेटस गेम में होंगे। सेकेंड चीज क्या हो जाएगी, आप मटेरियलिस्ट हो जाएंगे। You will become a materialist. What does it even mean? Materialist होना क्या बुरा है क्या सर? तो फिर गाड़ियां वाड़ियां ना खरीदूं? आप भी तो बड़े बड़े ब्रांड पहनते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, फिर
जी नहीं, मटेरियलिस्ट होने का क्या मतलब है इसको समझें आप। जब आप सुपीरियरिटी चेज करना चाहते हैं, अब आप सुपीरियर हैं, इसका मेजरमेंट आप देंगे कैसे? जिंदगी के गेम में मेजरमेंट कैसे देंगे? आप फुटबॉल में हैं तो शायद आप अपने ज्यादा गोल करके मेजरमेंट दे पाओगे, अपनी स्किल से दे पाओगे ना कि मेरा मैं ज्यादा सुपीरियर हूं। अब सपोज कि आपका पूरा परिवार है और आपकी पूरी सोसाइटी है, अब ये किसी ना तो फुटबॉल खेल रहे हैं ना क्रिकेट खेल रहे हैं, ना ये नेता है कि वोटों से अपनी सुपीरियरिटी या पोजीशन से तय कर देंगे। अब आप एक सिंपल समाज के अंदर जो कोई खेल में नहीं है, इसमें आप अपनी सुपीरियरिटी को कैसे एस्टेब्लिश करोगे? हाउ हाउ यू विल बी एबल टू टेल पीपल दैट आई एम सुपीरियर? आप जिस मोहल्ले में रह रहे हो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आप जिस परिवार का हिस्सा हो बड़े का, आप कैसे तय करोगे? या फिर एक अजनबी व्यक्ति जो आपको जानता भी नहीं है और वो आपसे मिले, तो आप कैसे अपनी सुपीरियरिटी को बताएंगे? हाउ हाउ विल यू गिव द मेजरमेंट? या फिर आप अपनी सक्सेस का मेजरमेंट कैसे दोगे? कि सपोज आप और हम मिले, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है, मैं कैसे एक सुपीरियर हूं, इसकी मेरी सक्सेस का मेजरमेंट मैं आपको कैसे दूंगी? कि मैं कितना सफल हूं मुझे आपको बताना है तो मैं कैसे बताऊं? आप और मैं अजनबी हैं, हम दोनों एयरपोर्ट में बस एक दूसरे को टकरा के निकल गए हैं, या फिर हम फ्लाइट में बैठे हैं, हम ट्रेन में गई हैं, मैं कैसे बताऊंगा कि मैं सुपीरियर हूं? बताइए हाउ यू विल गिव द मेजरमेंट ऑफ योर सक्सेस? व्हाई वी आर सो मटेरियलिस्ट? हम क्यों मटेरियलिस्ट हो जाते हैं? हम मटेरियलिस्ट होते हैं ताकि हम सक्सेस का मेजरमेंट दे सकें। आपने कितना पैसा कमाया वो तो आपके बैंक में दिख रहा थोड़ी है किसी को, मेजरमेंट कैसे दोगे आप? तो अब आप मेजरमेंट दोगे अपनी गाड़ी से, अपने बंगले से, अपने ब्रांड से, अपने कपड़ों के ब्रांड से, मे बी बिजनेस क्लास में ट्रेवल करके, अलग अलग तरीकों से दोगे आप? यॉट रख के, जेट रख के, 2 करोड़ की घड़ी पहन के, 50 करोड़ का साड़ी पहन के, 100 करोड़ की घड़ी पहन के, लेम्बोगनी बुगाटी चला के, यॉट्स लेके, ऐसे तो दोगे? और हम खुद भी तो लोगों को ऐसे ही जज करते हैं उनकी सक्सेस का। आप लोगों की सिंप्लिसिटी से तब इम्प्रेस होते हो जब आपको पहले से पता होता है ये तो मिलेनियर है। तो रतन टाटा अगर एक शर्ट पैंट में आ जाए या राकेश झुंझुनवाला शर्ट पैंट में आ जाए, तो आप उसे कितना हम्बल इंसान है। यही शर्ट पैंट में एक रिक्शा वाला घूम रहा है, आप उसे हम्बल कहते हैं? उसे हम्बल क्यों नहीं कहा आपने? उसे हम्बल नहीं कहेंगे आप। रतन टाटा अगर नीचे बैठ के खाना खा ले, वो सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। ठीक है, वो घर में आपके पिताजी अगर बैठ के नीचे खाने, अरे आप ऊपर डाइनिंग टेबल है तो फिर नीचे बैठ के क्यों खाते हैं? अब थोड़ी हम गरीब हैं तो हम्बलनेस स्टाइल, सिंप्लिसिटी स्टाइल तब बनती है जब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि आप अमीर हैं। अब आपको किसी चीज से दिखाने की जरूरत नहीं है, आपका काम बोल रहा है, आपकी कंपनी बोल रही है। बट अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग इस स्थिति में नहीं है, और इसी मेजरमेंट का तो गेम फिर कई पॉलिटिशियन भी उठाते हैं। जानबूझ के सिंपल रह करके, राइट? नाम नहीं लूंगा बट समझने वाले समझ गए हैं। ठीक है, तो आप मटेरियलिस्ट हो जाते हैं। अब फिर प्रॉब्लम क्या है सर इसमें? व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं जेट खरीदता हूं, ये सब खरीदता हूं, व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि ये ऑथेंटिक हैप्पीनेस नहीं है, इससे जुड़े जो नुकसान है वो इतने सारे हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गाड़ियां ना खरीदें, आप खरीदें, लेकिन मैं
इनको खरीदने के पीछे का रीजन चेंज कराना चाहता हूं आप लोगों को। जरूरी नहीं कि आप बड़ी गाड़ियां, बड़े बंगले, बड़े ब्रांड इसलिए पहने क्योंकि आप किसी को अपनी सफलता का मेजरमेंट देना चाहते हैं। जिस समय आप इससे बाहर निकल जाएंगे, आप ये सारी चीजें एंजॉय करेंगे एंड यू विल बी आउट ऑफ द रैट रेस, आप उस रैट रेस से बाहर भी हो जाएंगे। मटेरियलिज्म क्या करता है, अडेप्टेशन लेकर के आता है। आप ध्यान से सीखिएगा जो मैं कह रहा हूं, इसे कहते हैं हेडोनिक साइकिल। आप एक हेडोनिक लूप में फंस जाते हैं, मटेरियलिज्म आपको हेडोनिक लूप में डालता है। हेडोनिक लूप क्या है देखें जरा, देखिए आप अपनी एक डिजायर पैदा करते हैं, डिजायर, ये डिजायर कुछ भी अचीव करने की हो सकती है, एनीथिंग। आपने कोई डिजायर पैदा करी, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी डिजायर पैदा करी। अब इस डिजायर को पूरा करने के लिए क्या करेंगे आप, एफर्ट लगाएंगे, हार्डवर्क करेंगे। ये बंगला पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए हार्डवर्क करोगे आप, हार्डवर्क करोगे तो ऑफकोर्स आप ऑब्टेन करोगे। अगला स्टेप क्या होगा, यू विल ऑब्टेन, आप इसे पालेंगे। ऑब्टेन करने के बाद आप इसे एंजॉय करेंगे कितने दिन। आप एक नया मोबाइल फोन लाते हो, एक नई गाड़ी लाते हो, वो जो नई गाड़ी घर में आई, वो जो नए घर में आप शिफ्ट हुए, उसकी खुशी कितने दिन। इसके बाद एक प्रोसेस होता है आपके ब्रेन में, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। नाउ यू विल एक्सपीरियंस एडेप्टेशन, योर ब्रेन विल अडेप्ट एंड दिस थिंग विल बिकम योर न्यू नॉर्मल। अब ये आपका नया नॉर्मल बन जाएगा। नाउ दिस थिंग, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, नाउ दिस थिंग विल बिकम अ सोर्स ऑफ डिसकम्फर्ट फॉर यू। Now you have to create a new desire. अब आपको नई डिजायर क्रिएट करनी पड़ेगी और अब आप इस साइकिल में दौड़ते पाओगे अपने आप को। And you will be stuck in this hedonic cycle. Basically, adaptation. आपके ब्रेन का एक फिनोमिना है, वो फिनोमिना है adaptation का। आप देखते हैं नया नया मोबाइल आता है, नोटिस किया आपने, नया नया मोबाइल आता है तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने बच्चे की तरह गोदी में, इंसान सोता भी है तो साफ करके रखता है बाजू में, मतलब कि गिर ना जाए कहीं हाथ से, ऐसा संभाल के रखता है बिल्कुल करीब सीने से लगा के, मतलब इतना तो अपने बच्चे को ना संभाले जितना अपने मोबाइल को संभालता है। फिर 2 महीने बाद क्या होता है, दिन में 50 बार पढ़ रहा होता है, गिर रहा होता है, कहाँ रख गया होता है, 10 बार भूल रहे होते हो कहाँ रख के, अब कोई फर्क नहीं पड़ता। Yes or no? You adapt. आप अपनी कमाई से अडेप्ट हो जाते हैं, आप अपने घर से अडेप्ट हो जाते हैं। एवरी मटीरियल यू हैव एवर बॉट, योर ब्रेन विल अडेप्ट टू इट एंड नाउ आपके ब्रेन को नई चीज चाहिए उस प्लेजर को एक्टिवेट करने के लिए, सुपीरियर फील करने के लिए। समझ गए जी आप? और ये एप्पल इस फिनोमेना को इतना पावरफुली यूज करता है, 1 साल तक ही आपको यूज करने देता है, खुश रहने देता है। क्या आपने 14 खरीद लिया, आप बड़े खुश हैं, मतलब जो जो 14 खरीदा बड़ा खुश है, अब 15 लॉन्च हो गया। आपने नोटिस किया, जितने भी एप्पल यूजर हैं वही समझ पाएंगे, जैसे ही 15 आ गया 14 वाले को पुरानी फीलिंग आने लग जाती है, आई एम ओल्ड। जब नया नया 14 लाया था तो हर जगह अपनी फोटो के अंदर वो 3 कैमरे बार बार दिखाता था, आईफोन वाले फोटो कम और कैमरा ज्यादा दिखाते हैं कई बार, लेकिन अब छुपाते हैं। एक बार नए वर्जन आ गए, अब कोई नहीं दिखा रहा, अब जेब में ही रखते हैं, उल्टा उसके ऊपर कवर और लगा लिया, किसी को पता नहीं लग जाएगी 14 है। Why? Because we want to feel superior. Because you have adapted. आप अडेप्ट कर चुके हैं। एक बार विचित्र सिंह जी अपने दोस्त के पास में गए, पता चला कि दोस्त बड़ा मिलियनेयर बन चुका है, बहुत पैसे वाला बन चुका है। तो उसको जानकारी मिली विचित्र सिंह को कि इसने कोई नया जेट खरीदा है, और दोस्त के पास चला गया, भाई तूने जेट खरीद लिया, बताया भी नहीं और मैं तो इतना खुश हूँ, दिखा मुझे अपना जेट। दोस्त उसे टालता रहा, लगभग 1-2 महीने तक भगाता रहा, लेकिन पीछे पड़ गया विचित्र सिंह तो, कि नहीं दिखाई दे मुझे।
तो जब पीछे पड़ गया तो विजेंद्र सिंह को लेके गया, लेकिन ले जा रहा कोई एक्साइटमेंट नहीं है, दुखी सा लग, ऐसा लग रहा है कि कोई पोल खुलने वाली है। विजेंद्र सिंह बड़ा हैरान था, ये इतना खुश क्यों नहीं है। जाके उसने दिखाया कि ये मेरा जेट है। विजेंद्र सिंह कहने लगा, वाह यार बहुत बढ़िया जेट लिया तूने, ये वो ये वो। लेकिन उसको अंदर ही अंदर दुख महसूस हो रहा था। तो विचित्र सिंह ने कहा, भाई तू खुश क्यों नहीं, इतना शानदार तूने जेट लिया। तो विचित्र सिंह को कहता है कि ये जितनी भी पार्किंग है ना, इसमें नजर डाल जरा, इस पूरी पार्किंग में सबसे कम सीटर वाला मेरा प्लेन है। जब जब इसको देखता हूं ना, रियलाइज होता है साला कितना गरीब हूं मैं। आता भी हूं ना तो मास्क लगा के आता हूं, ताकि चुपके से आकर के इसमें से निकल के आगे बढ़ जाऊं, कहीं कोई दूसरे वाले देख नहीं ले मुझे। दिस इज वॉट हैपन्स विद द पर्सन हु इज इन हु ऑलवेज चेजिंग सुपीरियरिटी। तो मटेरियलिज्म में प्रॉब्लम नहीं है, मगर मटेरियलिज्म को हैप्पीनेस का सोर्स ना बनाए, सिर्फ सेंसरी स्टिमुलेशन का सोर्स बनाए, दैट यू वॉन्ट टू एक्सपीरियंस।